आखिर में बनी इसराइल का एक अहम वाक्या है, जिहाद के लिए मांगते हैं कि अल्लाह हमें कुव्वत दे, हमें कोई बहुत बड़ा लीडर दे जो हमारे साथ, जो हमें जिहाद कराए। अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को भेज दिया, जिहाद के लिए निकल खड़े हुए। अब देखिए अल्लाह ताला ने आदमी को, देखो भाई ये गुजर रहे हो नहर के किनारे से, प्यास तो तुम्हें होगी, लेकिन देखो एक आध घूंट तो पानी का पी लेना, लेकिन इससे पेट भर के पानी नहीं पीना। अब कुछ लोगों ने तो पाबंदी की अल्लाह के हुक्म की, और कुछ लोगों ने पाबंदी नहीं की, पेट भर के पानी पी लिया। अब फरमाते हैं कि जिन लोगों ने पेट भर के पानी पी लिया, उनके अंदर इतना ज़ौफ हुआ कि उनका ला ताकत लना अल्यौम बिजालूत, भाई जालूत के साथ लड़ने की हम में कोई ताकत नहीं, मुकाबला ही नहीं है हमारा। जी जालूत बहुत बड़ा बादशाह, बहुत कुव्वत वाला, हम उसके मुकाबले में नहीं आ सकते। इसकी क्या वजह थी कि अल्लाह की नाफरमानी कर चुके थे, पानी से रोका गया, पी लिया तो ज़ौफ आ गया, तबीयत में कमजोरी आ गई। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना। फरमाया उन्होंने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतम बेसिन्ना, अरे मियां तादाद में कम है तो क्या हुआ। कई मरतबे ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने छोटे से गुरोह के बहुत बड़ी ताकत से लड़ा दिया और फतह भी दे दी, लड़ेंगे इंशाल्लाह। यहां से मालूम हुआ कि अगर तकवा की राह इख्तियार की जाए तो अल्लाह ताला ताकत भी देते हैं, शुजा भी और जुर्रत भी, और अगर तकवा की राह इख्तियार ना हो तो आदमी ज़ईफ़ और बेहिम्मत हो जाता है। उसमें जिहाद तो क्या किसी काम की भी ताकत नहीं रहती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदक़े में हमें कुरान करीम पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और उसकी हिफाजत फरमा, और हमारे वालदैन, अहलो आयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन।